अर्पित दुबे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? क्लास 8th। किस तरह का गेम खेलते थे? फ्री फायर। फ्री फायर खेलते थे, क्या हुआ था? सामने देखा था। फिर क्या हुआ था? गेम खेल रहे थे, फिर क्या हुआ था? कॉल वगैरह आता था वहाँ से, क्या हुआ? एक बार गेम में एक लोग का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो उसने बोला कि अपने पापा का फ़ोन नंबर दो, गेम पे है, तो मैंने दिया। उसके बाद उसने बोला कि तुम कोई टॉपअप नहीं करते? तो मैंने बोला कि नहीं। तो बोला कि आओ मैं तुम्हें सिखा दूँ। तो उसने बोला कि स्क्रीन रिकॉर्डर एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो। तो मैंने किया, बोला कि अब उसको स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दो, जब तुम्हारे पापा फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन कर ले तो वो वीडियो देख लो, तो UPI नंबर तुम्हें पता चल जाएगा, तो उसी से UPI नंबर जान लो, तो मैं तुम्हें आगे का बताता हूँ। जब मुझे UPI नंबर पता चल गया, तब उसने फ़ोन किया, तो बोला तुम्हें पता चल गया? मैं बोला हाँ। तो बोला कि आओ तुम्हें टॉपअप करना सिखाता हूँ। तो उसने टॉपअप करवा दिया। उसके बाद बोला कि अगले दिन जब उसने फ़ोन किया, बोला कि मुझे 10,000 रुपीज़ दो। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला कि उसने वीडियो कॉल किया, फिर उसने गन की फ़ोटो दिखाई, बोले कि अगर आप पैसे नहीं भेजे तो रात को तुमको मार दूँगा। तो मैंने उसको पैसे दिए, वैसे वो रोज़ अब करता था। तो एक जब मेरे पापा को पता चल गया, तो उसने बोला कि मैंने बोला कि UPI चेंज हो गया, तो उसने बोला कि YouTube पे देख लो कैसे UPI चेंज होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला अकाउंट में पैसे नहीं बचे, बोला तो कैसे भी करके मुझे पैसे दो, बाज़ार में जाकर ट्रांजेक्शन करो पैसे। मैंने बोला कि पापा पर्स में पैसे नहीं रखते, बोला कि अलमारी में से लॉकर में से लेकर जाओ, मुझे नहीं पता। कितने पैसे कुल भेजे थे तुम उसको, कितना लगभग याद होगा तुमको, कितने भेजे होगे? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर भेजे थे? 1,50,000। धमकियों क्यों देता था, किस तरह का? वो पुलिस का पुलिस थाना में पुलिस स्टेशन का फ़ोटो भेजता था, बोलता था FIR करवा दूंगा। आप लोग को पता चला कि इतनी बड़ी धनराशि जो है वो चली गई। ये भारत TV चैनल का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। 40 किलोमीटर दूर से आए और असुआ पार ग्राम सभा में और गरीब परेशान के हित के लिए आए हैं, इसके लिए मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मेरे छोटे से जो है बच्चे, पूरे नहीं 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 आप वहीं बताइएगा। अच्छा, इस मेरे छोटे से बच्चे के साथ जो है जो फाटगिरी की गई, और उसमें मैं चाहता हूँ सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जो IGRS पोर्टल चलाए, और जो है ऐसे जो कमज़ोर दलित परेशान आदमियों के जो है उसे हितपूर्ण रूप से संभव है। और मैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय से जो है उम्मीद करता हूँ कि इस फाटगिरी में तत्काल थाना अध्यक्ष बदलापुर को आदेशित करें, गिरफ्तारी करने के लिए आदेशित करें, और उन जो है फाटगिरों की गिरफ्तारी हो और जो है उसके पैसे की वसूली हो। मैं आप सबका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो है इतनी दूर से आए और जो है मेरे पैसे दिलवाने में आप लोग पूर्ण रूप में सहयोग देंगे, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। कैसे आपको पता चला, कब पता चला आपको? क्या पैसा हमको तब पता चला जब मैं बैंक में गया निकालने के लिए, तब देखा तो उसमें जो है मेरे खाते में उतनी धनराशि नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तब मैंने उसका स्टेटमेंट निकलवाया तो देखा तो जो है मेरे खाते से 2,29,137 रुपये ट्रांजेक्शन हो चुका था। तब मैंने जो है इसकी शिकायत तत्काल जो है साइबर सेल जौनपुर को दिया और थाना अध्यक्ष बदलापुर, पुलिस अधीक्षक जौनपुर, क्षेत्राधिकारी बदलापुर को अवगत कराया। अवगत कराने के फलस्वरूप जो है मैं कई बार जो है चक्कर लगाया कप्तान के ऑफिस में, थानेदार के ऑफिस में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और IGRS के माध्यम से कार्रवाई किया, प्राथमिकी दर्ज हुई। थानेदार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, योगेंद्र सिंह जी को भी, विलम्ब किए लेकिन FIR कायम किए हैं। और मैं चाहूँगा उनसे भी कि जो है आपके चैनल के द्वारा जो है वहाँ तक आवाज़ मेरी पहुँचे और तत्काल उनकी गिरफ्तारी जो है राजस्थान से करना सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? अमर प्रकाश दुबे।